हे गाइस, मैं आपका भाई रणवीर। और आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात और, ये वीडियो बहुत ही डीप रिसर्च की बात बनाई गई है, ठीक है। इसमें 5-6 दिन का मेहनत और एकदम मतलब कि डीप रिसर्च है। आप इसे मतलब कि हम दावा करते हैं कि वीडियो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो एयरफोर्स और SSC CHSL का जो एग्ज़ाम था वो आखिर पोस्टपोन्ड हो गया, तो मतलब रद्द हो जाएगा या फिर होगा या नहीं होगा, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा यही है, ठीक है। और इस पर हम 2 केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछला वीडियो हमारा था चैप्टर 46 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो रे ऑप्टिक्स पार्ट होता है उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया था। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल हम सोल्व करा देंगे, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड तैयार करते हैं, मतलब कि एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो काफ़ी मतलब कि बहुत हेल्पफुल होगा। और अब एक बात और कि जो आपका जो ये जो लॉकडाउन है ना, आपका जो लॉकडाउन है ये आपको 20 से मतलब आज कितना तारीख हो गया, आज 24 से ले, तो लॉकडाउन में 26 से जो 31 तारीख है, 26 से 31 अप्रैल, ठीक है, इसमें अपना जो क्या बोलते हैं उसको COVID-19 का जो प्रकोप है वो चरम सीमा पर रहेगा, ठीक है। तो इन दिनों आप थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आजकल बहुत केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार को एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो बिहार में था पहले, अभी 5 दिन पहले मात्र 50 से 60 केस था, ठीक है, और सही ठीक होने वालों की संख्या उसमें 40 से 42 थी, ठीक है। लेकिन अभी आज की डेट में बस 5 दिन में इतने हो गए केस कि 250 भी पार कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे रोज मतलब डेली 50-60 मरीज मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो एयरफोर्स नेवी का एग्जाम था, जो एयरफोर्स का जो एग्जाम था वो यहाँ पे 2 केस बनता है, ठीक है, 2 केस बनता है। पहला केस कि पहला मतलब कि एक मिनट, जैसे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, इसके बाद होगा मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, अगस्त 4 महीना है अभी, ठीक है। जो अब सितंबर का जो एग्जाम होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, वह 16 से 19 सितंबर के बीच में होता है, होता है बिल्कुल 16 से 19 सितंबर, या यही इर्द गिर्द होता है। तो ये जो इसमें हमारे पास कितना टाइम बच गया, और मात्र 4 महीने, कुछ फील कर पा रहे हो, मात्र 4 महीने। और वो जो एग्जाम था, ये एग्जाम होने वाला था, एक मिनट इसको हम, हाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हमारे आज, ठीक है। तो मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये 4 महीना हमारे पास है अभी, ठीक है। तो ये जो 16 से 19 सितंबर के बीच जो एग्जाम होने वाला था ये, ठीक है, और ये जो अभी होने वाला है वो वाला 16 से 19 सितंबर के बीच में जो होने वाला है, ठीक है, और ये जो था वो 19 से 23 मार्च तक ये एग्जाम होने वाला था, ठीक है। तो आपका एक साल में दो होता है बिल्कुल। तो देखिए, अगर यहाँ तक अप्रैल में तो एग्जाम होने का मतलब कि कोई भी माइनस में भी चांस नहीं है, ठीक है। तो अगर मई जून 2 महीने मतलब कि जून तक, यानी मई और जून 2 महीने अगर चला आपका, ठीक है, लॉकडाउन जो है वो 2 महीने चला, तो आपको एग्जाम जुलाई में तो 1 महीने सरकार पहले उसको रिकवर करनी है। मतलब कि देखिए, एग्जाम्स क्यों ले जाए पता आपको, क्योंकि जो इतने मरीज मिल रहे हैं उसमें कहीं छात्रों की संख्या अत्यधिक ना हो जाए, इस वजह से आपको एग्जाम सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए अभी इसका जो प्रकोप है वो मतलब बढ़ता चला जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा, कितना भी लॉकडाउन हो रहा है वो तो लॉकडाउन है कि मतलब कि सही है, नहीं तो अभी बहुत स्थिति बदतर हो जाती, ठीक है। तो देखिए, हमारा 2 केस था 19 से 23 मार्च और एक था 16 से 19 सितंबर, ठीक है। तो अगर जून तक मतलब कि टिल जून तक लॉकडाउन चला, तब क्या होगा कि एग्जाम उसी टाइम पे होगा, ठीक है, एग्जाम होगा मतलब कि जुलाई में ले लेगा एग्जाम लास्ट तक, मतलब कि मिड जुलाई तक उसका डेट आ जाएगा और तुरंत उसके बस 5 दिन के बाद ही या 10 दिन के बाद आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 10-15 दिन के अंदर ही एडमिट कार्ड जारी होने के बाद वो एग्जाम ले लीजिएगा, ले लेगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, एग्जाम कब हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। और इसका जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया होने वाली है, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया होने वाला है वो सेम रहेगी, जो 19 से 23 मार्च की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो सेम होने वाली है, ठीक है, सेम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आते हैं दूसरे केस पे, लेकिन उसके पहले जैसे ये क्या था, ये केस 1 है ना,
केस वन और ये केस टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डीओबी भी सेम होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद जो वो 16 से 19 सितंबर वाला जो एग्जाम था वो होगा, लेकिन उसमें जो डेट होगी वो काफी अंतर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे वो एग्जाम, मतलब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें लेट होगा, मतलब कि वो डिले होगा, ठीक है, डिले होगा। लेकिन डिले होने के बावजूद भी जो उसका जो नेक्स्ट वैकेंसी का जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया जो रहेगा वो सेम रहेगा। जो नोटिफिकेशन अगर राइट टाइम पे आती तो वहां पे जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए था वही सेम टू सेम इस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी सेम हो जाएगा सितंबर वाले के, ठीक है, तो सितंबर वाले में, ठीक है। तो एकदम बहुत ही डीप रिसर्च है भाई मेरे, और ये गलत नहीं हो सकता, जो होगा यही मिस होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं केस सेकंड में। तो जो हमारा जो केस सेकंड है ना, कि जो 16 से 19 सितंबर के बीच एग्जाम होने वाला, ठीक है, जो होने वाला है, अगर यहाँ पे हुआ तो डिले हो जाएगा, मतलब कि वो एग्जाम सितंबर ना होकर अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर केस टू में क्या होता है कि अगर आपका जो लॉकडाउन है वो तिल जुलाई तक चल गया, तो अगर आपका तो अगस्त में एग्जाम होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सरकार को देने देगी नहीं, क्योंकि सारे बच्चे एक जगह एकत्रित होंगे, वो लाइन लगता है ना चेकिंग के लिए, एडमिट कार्ड चेक करने के लिए, आधार कार्ड चेक करने के लिए, तो वहां पे थोड़ा भी डिस्टेंस मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये तभी होगा जब पूरा का पूरा ये जड़ से जब खत्म हो जाएगा, जब वैक्सीन तैयार हो जाएगा तभी ये जड़ से खत्म होगा, ठीक है, ये तभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होता है, तो अगर वैक्सीन जल्दी तैयार हो गया तब तो ये केस होगा, लेकिन अगर वैक्सीन तैयार नहीं हुआ तो ये केस होगा, ठीक है। तो इस केस, ये बहुत ही केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन यही हम बात कर रहे थे कि डोंट मिस इंडिया, ठीक है। देखिए अगर जुलाई तक हमारा लॉकडाउन चला, ठीक है, तो उसके बाद जो अगस्त आएगा तो अगस्त में तो एग्जाम होगा नहीं, तो जो सितंबर वाला एग्जाम होगा, तो भाई मतलब मान लो कि जब मार्च वाला एग्जाम भी सितंबर में और अगस्त वाला भी सितंबर वाला भी एग्जाम सितंबर में, तो ऐसे कैसे चलेगा, उसको भी तो पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो उसका जो नंबर ऑफ सीट्स होगा, तो फिर जाके जब नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स ये कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जो बिफोर जो पहले जो जितना सीट था प्लस जो अभी जो सितंबर वाले बैच में जितना सीट तो आएगा वो सब मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिफोर प्लस आफ्टर दोनों सीटें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, दोनों सीटें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब ये जो मिक्स हो गया, जब मार्च वाला और सितंबर वाला एग्जाम मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तब उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। तो भाई मैंने डेट ऑफ बर्थ के बता दें आपको कि जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो इस वो ये वाले होगा 19 से 23 मार्च, यानी मार्च वाला जो एग्जाम था उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वही आपको इसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो भाई इसमें बच्चों की कोई गलती है नहीं, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स की गलती है नहीं कि जो लॉकडाउन हुआ या कोरोना आया, मतलब कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसके साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। वो अपना पूरा प्रिपरेशन किया, अपना 100% से भी ज़्यादा दिया, और उसका मतलब कि एक कोरोना की वजह से उसका अटेम्प्ट चला गया, उसका पूरा ड्रीम चला गया, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से आपको जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यही रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको घबराने की नहीं जरूरत है, आप इसको बारीकी से समझिए, ठीक है, बारीकी से समझिए। इतना मैंने दो केस बनाया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो मार्च वाला रहेगा ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मार्च वाला रहेगा, क्योंकि आपको मैंने कारण बता दिया, ठीक है। तो दो केस हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दो केस, ठीक है। तो अभी मैंने न्यूमेरिकल का भी कराना बाकी, इसके बाद न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 46 का, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो कि रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, हम उसको एंड में लगा देंगे, आप वहां से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी बेहतर रखिए, और जैसा कि एक बात और कि आप अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करिए। 100% तो हर कोई दे रहा है आजकल, अपना जितना लग रहा है उतना तो दे रहा है, लेकिन आप भीड़ से हटके जब 100% प्लस आप नहीं देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ स्टैंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा यही एक क्या बोलते हैं मेरा यही लाइन है कि आप 100% से ज़्यादा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दोनों केस अच्छे से समझ लीजिएगा,
बारीकी से समझने की चीज है। अगर जहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ वहां पे फिर रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है थोड़ा ठीक है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, और भगवान से मनाते हैं कि ये वाला केस हो जाए, ताकि आई मीन मई के पहले आपको लॉकडाउन वगैरह सब कोरोना का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।